तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है और जिसके घर में पूजा पाठ होती है ना, उनके घर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। मेरे घर में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं पूजा पाठ की, और मेरी तैयारी भी शुरू है। मैं 9 दिन व्रत रखती हूँ, तो सबसे पहले बनाती हूँ ये बढ़िया सा मसाला। इसको खाने के बाद ना पता ही नहीं चलता है कि मैं 9 दिन व्रत रखती हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि मैं नमक खाती हूँ, तो इसके लिए मैंने सेंधा नमक लिया है। मेरे पास पिसा हुआ नमक है, साबुत नमक है तो आप वो भी ले सकते हो। फिर 4 से 5 हरी मिर्च, उसके बाद मैं डालूँगी 2 चम्मच जीरा और 2 चम्मच सूखा धनिया और 2 चम्मच काले मिर्च, ठीक है, सब 2-2 चम्मच हैं। उसके बाद हरा धनिया भी हम धो के अच्छे से पोंछ के साफ सुखा लेंगे और उसको ले लेंगे। फिर इसको हम मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे। ये बढ़िया सा आपका मसाला बनके तैयार हो जाएगा। तो भाई, आप इसको या तो आलू में डालिए या किसी भी सब्ज़ी में डालिए, लौकी में डालिए, चीला में डालिए, साबूदाना की खिचड़ी में डालिए, टिक्की में डालिए, आप कहीं में डालिए, ये खाने का स्वाद ना इतना बढ़ा देगा, यकीन मानिए। एक बार बना के देखिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप व्रत हैं। और आपका 9 दिन ये अच्छे से चलेगा। ज़्यादा दिन आपको रखना है तो एक जार में कर लीजिए और फ्रिज में रख दीजिए।